वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब इन सड़कों पर नहीं लगेगा टोल टैक्स। चार पहिया वाहन चालकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। मध्य प्रदेश सरकार ने निजी वाहन चालकों को नई सौगात दी। अब उन्हें अपने चार पहिया वाहन से मध्य प्रदेश के 17 मुख्य मार्गों से गुजरने के दौरान 1 रुपए का भी टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इससे लोगों को पैसे की तो काफी बचत होगी ही, वहीं दूसरी ओर जो लोग चार पहिया वाहनों के महंगे खर्च की वजह से कारें खरीदने से पीछे रह जाते थे, वे लोग भी अब चार पहिया वाहनों का लुत्फ ले सकेंगे क्योंकि उन्हें अधिकतर टोल टैक्स पर टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। एमपी में होली से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ गई है, ऐसे में प्रदेश में नाइट कर्फ्यू और तमाम प्रतिबंध हटाए गए। इसी कड़ी में अब सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया। सीएम ने घोषणा कर कहा कि आगामी त्योहारों पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा, महाशिवरात्रि होली रंग पंचमी धूमधाम से मनाओ। दरअसल इंदौर में आयोजित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मेरी पॉलिसी मेरे हाथ के कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने कहा कि अब प्रदेश में कोरोना संक्रमण काफी कम हो गया है, आने वाले दिनों में होली महाशिवरात्रि के पर्व हैं, ऐसे में होली व रंग पंचमी भी खूब खेल लें, गेर निकालें और भरपूर आनंद लें। किसानों को लेकर सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान, पूरा मुआवजा देगी सरकार, होगा सघन सर्वे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने घोषणा की है कि प्रदेश में किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा होने पर किसानों को नुकसानी का पूरा मुआवजा दिया जाएगा, बोवनी खराब होने पर उसका भी मुआवजा मिलेगा। वास्तविक नुकसानी की जानकारी प्राप्त करने के लिए मैदानी स्तर पर सघन सर्वे करवाया जाएगा। दरअसल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये बातें शनिवार को इंदौर में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के शुभारंभ के मौके पर कही। उन्होंने कहा कि किसानों ने अथक परिश्रम कर प्रदेश में रिकॉर्ड कृषि उत्पादन किया है। आज 28 फरवरी को जिला स्तरीय रोजगार मेला। जिले के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को प्रतिष्ठित कंपनीज में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए शहर में आज 28 फरवरी को एक दिवसीय जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 20 नामी कंपनीज के द्वारा बेरोजगारों के लिए नौकरी दी जाएगी। मेले का आयोजन ग्रामीण हाट बाजार ढक्कन वाले कुएं के पास किया जाएगा। आयोजन रोजगार कार्यालय और यशस्वी अकादमी फॉर टैलेंट मैनेजमेंट के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। मेला सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक संचालित होगा। डिप्टी डायरेक्टर पीएस मंडलोई ने बताया कि मेले में निजी क्षेत्र की कई प्रतिष्ठित कंपनीज वोडाफोन, पेटीएम, डीटी इंडस्ट्रीज, डोमिनोज, एडोइट, 1.1 एमडीएच मसाला, नवशक्ति, एसईओ कंसल्टेंट, रॉयल आईटी सर्विसेज, जस्ट डायल, एजीश, रिलायंस, यशस्वी ग्रुप आदि के द्वारा विभिन्न पदों के लिए 1450 लोगों को नौकरी दी जाएगी। उद्योग लगाने और पर्यटन क्षेत्र विकसित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार देगी एनओसी। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग लगाने या पर्यटन क्षेत्र विकसित करने के लिए अब अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी प्राप्त करने के लिए पंचायतों के चक्कर नहीं लगाने होंगे, ये अब सरकार के स्तर से ही मिलेगा। इसके लिए विधानसभा के बजट सत्र में पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। 27% ओबीसी आरक्षण पर शिवराज सरकार का जवाब। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण का मामला गहराता जा रहा है। प्रदेश की शिवराज सरकार द्वारा इस मामले में हाईकोर्ट जवाब पेश किया गया। राज्य सरकार ने एक बार फिर से कहा कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इस मामले में सुनवाई का अधिकार नहीं है। दरअसल एमपीपीएससी द्वारा एडीपीओ को 27% आरक्षण देने पर आपत्ति उठाई गई। मामले में हाईकोर्ट में जवाब पेश करते हुए शिवराज सरकार ने कहा कि आरक्षण की 50% सीमा को रोका जा चुका है, इसमें संशोधन कर इसे समाप्त कर दिया गया। मामले में अगली सुनवाई आज 28 फरवरी को तय की गई है। यात्रीगणों के लिए खुशखबरी, भोपाल से दिल्ली रवाना होंगी वंदे भारत एक्सप्रेस, जाने कब से शुरू होगी सेवाएं। मध्य प्रदेश लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। सरकार द्वारा वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात प्रदेश के नागरिकों को दी गई। बता दें कि अप्रैल से वंदे भारत एक्सप्रेस भोपाल से दिल्ली के बीच चलाई जाएगी। इंटीरियर में ट्रेन के इंटीरियर में विश्व प्रसिद्ध सांची स्तूप, उदयगिरी की गुफाएं, खजुराहो मंदिर की कलाकृतियां, भीम बेटका चित्रों की झलक भी यात्रियों को देखने को मिलेगी। इस ट्रेन की सुविधाएं बहुत ही ज्यादा आकर्षक है। ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों की जरूरतों की खास देखभाल की जाती है। मध्य प्रदेश के 1 लाख किसानों का प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम रोका।
मध्य प्रदेश में 12 फरवरी को 49 लाख किसानों के खातों में फसल बीमा क्लेम की 7,168 करोड़ रुपए की राशि डालने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी। इनमें से 1 लाख किसानों के खातों में फसल बीमा क्लेम की राशि को डालने की प्रक्रिया रोक दी गई। बताया जा रहा है कि अब इन किसानों को मार्च के अंत तक बीमा क्लेम की राशि मिलने की संभावना है। फिर बदलेगा मौसम, इन जिलों में बारिश के आसार, जाने शहरों का हाल। मौसम विभाग के मुताबिक आज सोमवार 28 फरवरी को फिर एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में प्रवेश करने जा रहा है, जिसके प्रभाव से प्रदेश में कहीं कहीं बादल छाने के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। आगामी दिनों में जबलपुर सहित पूर्वी मध्य प्रदेश में बादल छाने और कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। ग्वालियर चंबल में भी बादल छाने के आसार है। मार्च के पहले हफ्ते में भी नया पश्चिमी विक्षोभ आएगा, जिससे ग्वालियर समेत प्रदेश का मौसम प्रभावित रहेगा। इंदौर पर विशेष प्रभाव नहीं, हल्के बादल छा सकते हैं, लेकिन मार्च के दूसरे हफ्ते से तेज गर्मी का एहसास होने लगेगा। किराए से दफ्तर लेने वाले स्टार्टअप को एमपी सरकार हर महीने देगी 5,000 रुपए की सहायता। मध्य प्रदेश में फर्नीचर, खिलौने, फार्मा, नमकीन, रेडीमेड गारमेंट और अन्य क्षेत्रों के लिए क्लस्टर बनाए जा रहे हैं। इनमें से फर्नीचर क्लस्टर में उद्यमियों को जमीन भी दी गई है। खिलौने के लिए बनाए गए क्लस्टर का भी ज्यादातर काम हो चुका है। आने वाले 50 से 60 दिनों में अन्य क्षेत्रों में भी काम शुरू हो जाएगा। प्रदेश की नई स्टार्टअप पॉलिसी जारी हो चुकी है, इसमें प्रदेश के युवाओं को गति देने के लिए कई सुविधाएं दी जाएंगी। विद्यार्थी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अपने उत्पाद को तैयार कर सकेंगे और जिन युवाओं के पास दफ्तर नहीं है, वे अगर किराए से दफ्तर लेते हैं तो उन्हें सरकार हर महीने 5,000 रुपए की आर्थिक मदद देगी। एनसीएलटी की इंदौर खंडपीठ, मार्च में होगी शुरू अहमदाबाद से रिकॉर्ड ट्रांसफर करने की आदेश। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की इंदौर खंडपीठ शुरू होने का शहर और प्रदेश का इंतजार 3 साल के बाद अब खत्म होता दिख रहा है। 10 मार्च से पहले इंदौर खंडपीठ का औपचारिक उद्घाटन और सुनवाई शुरू होने की आशा है। खंडपीठ के लिए सदस्य की नियुक्ति का आदेश जारी हो गया। कौशलेंद्र कुमार सिंह को इंदौर खंडपीठ में नियुक्त किया गया। वे अब तक एनसीएलटी की अहमदाबाद खंडपीठ में पदस्थ थे। प्रदेश भर की 40,000 कंपनीज को एनसीएलटी इंदौर खंडपीठ शुरू होने का लाभ मिलेगा। कंपनीज से जुड़े विवादों की सुनवाई के लिए पूरा प्रदेश अब तक अहमदाबाद खंडपीठ पर निर्भर था। एमपी कर्मचारियों की बड़ी तैयारी, मार्च में बड़ा आंदोलन, क्या बजट सत्र में बहाल होगी पुरानी पेंशन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा राजस्थान में पुरानी पेंशन बहाल करने की घोषणा के बाद सभी राज्यों में हलचल तेज हो गई। झारखंड, छत्तीसगढ़ हो या फिर मध्य प्रदेश, सभी राज्यों में पुरानी पेंशन लागू करने की मांग उठ रही है। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों ने तो शिवराज सरकार को चेतावनी दी कि अगर बजट सत्र में पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाती तो 13 मार्च को बड़ा आंदोलन होगा। प्रदेश में 2,87,000 शिक्षक और 48,000 स्थायी कर्मी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर संघर्षरत हैं। एमपी पुलिस कांस्टेबल आंसर की में आपत्तियों की भरमार, अभ्यर्थी चिंतित। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की ओर से जारी कांस्टेबल परीक्षा के आंसर की पर आपत्तियों की भरमार आ गई। 6,000 पदों पर भर्ती के लिए हुई कांस्टेबल परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के अनुसार किसी शिफ्ट के पेपर में 24 आपत्तियां तो किसी पेपर के 8 प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज कराई गई। एक परीक्षार्थी ने बताया कि उनके शिफ्ट वाली परीक्षा में 64 प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज की गई हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि जिन प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज कराई गई उनमें से अधिकांश प्रश्न ऐसे हैं जिनके जवाब उन्होंने सही दिए थे। ऐसे में यदि आपत्तियों को किया जाता है और उन प्रश्नों को रद्द किया जाता है तो आशंका है कि उनके नंबर भी काटे जा सकते हैं। महाशिवरात्रि पर 21 लाख दीपों से जगमगाएगी महाकाल की नगरी उज्जैन, बनेगा विश्व रिकॉर्ड। इस बार महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन में दीपावली जैसा उत्सव मनेगा। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर 1 मार्च को शिव ज्योति अर्पणम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उज्जैन में मां शिप्रा नदी के तट पर देवस्थानों, मंदिरों और नगर में घर घर दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। शिप्रा नदी के तट पर पूरे शहर में 21 लाख दीप प्रज्वलित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये बात उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को पत्रकार वार्ता के दौरान कही। बीते सप्ताह आवक बढ़ने से सरसों तेल में गिरावट, अन्य तेल तिलहनों की कीमतों में सुधार। विदेशी बाजारों में तेजी के रुख के बीच बीते सप्ताह देशभर के तेल तिलहन बाजारों में सरसों को छोड़कर लगभग सभी तेल तिलहनों के भाव सुधार दर्शाते बंद हुए। मंडियों में सरसों की नई फसल की आवक बढ़ने से सरसों तेल तिलहन की कीमतों में गिरावट आई। बाजार सूत्रों ने कहा कि विदेशों में खाद्य तेलों के भाव मजबूत होने के बीच ज्यादातर तेल तिलहन के भाव मजबूत हुए। समीक्षाधीन सप्ताह के दौरान सोयाबीन तेल के दाम $118 प्रति टन बढ़े, जबकि कच्चे पाम तेल के दाम में $180 की वृद्धि हुई। रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव और सैन्य कार्रवाई को लेकर बाजार में उथल पुथल जैसी स्थिति है। पार्टी से बगावत करने वाले विधायक सचिन बिरला को सदन में साथ नहीं बैठाएगी कांग्रेस।
खंडवा लोकसभा उपचुनाव के समय पार्टी से बगावत करने वाले बड़वाह से विधायक सचिन बिरला को कांग्रेस विधानसभा में अपने साथ नहीं बैठाएगी। सदन की बैठक व्यवस्था में कोई परिवर्तन प्रस्तावित न कर विधायक दल ने विधानसभा सचिवालय को इसकी सूचना दे दी है। बिरला की सदस्यता समाप्त करने के लिए कांग्रेस की ओर से आवेदन भी दिया गया था, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम तकनीकी आधार पर इसे निरस्त कर चुके हैं। अब विधि विशेषज्ञों से सलाह करके फिर से आवेदन करने की तैयारी चल रही है। यूपी विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह चौहान ने मोदी योगी को भगवान का अवतार बताया, अखिलेश को दंगेश कहा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा के स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भगवान का अवतार बताया। चौहान ने कहा कि गीता में भगवान ने जो कहा था कि जब जब उनकी जरूरत पड़ेगी वो अवतार लेंगे। अब देश के उद्धार के लिए मोदी योगी ने अवतार ले लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज यूपी के घोसी, मऊ, सिकंदरपुर और बलिया सहित 6 विधानसभा सीटों के चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कहा कि भाजपा के राज में विकास होता है। यूपी में समाजवादी पार्टी के शासन को लेकर चौहान ने कहा कि सपा का मतलब ही सांप्रदायिक दंगे और माफियाओं का आतंक है। सावधान, पेंशन आनी हो जाएगी बंद, अगर आज 28 फरवरी से पहले नहीं किया ये जरूरी काम। पेंशनर्स को अपनी पेंशन पाते रहने के लिए आवश्यक है कि वो अपना जीवन प्रमाण पत्र समय पर जमा करें। सरकारी पेंशन भोगियों के लिए अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र या जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए समय सीमा आज 28 फरवरी 2022 निर्धारित की गई है। आमतौर पर जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की आखिरी तारीख हर साल 30 नवंबर होती है, लेकिन सरकार पेंशन भोगियों को एक बड़ी राहत देते हुए इस साल 2 बार तारीख बढ़ाई गई थी। ऐसे में अब आज 28 फरवरी इसके लिए आखिरी तारीख है। यूक्रेन जंग का असर, रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग का असर अब भारतीय बाजार पर भी पड़ने लगा है। आने वाले दिनों में भी अगर दोनों देशों के बीच इसी तरह का टकराव जारी रहता है तो भारतीय बाजार में खाद्य तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है। फिलहाल देश में अप्रैल मध्य तक का ही सूरजमुखी तेल का भंडार मौजूद है। बढ़ते तनाव के कारण पिछले 2 दिन में तेल की कीमत 10 से 12 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ गई। दरअसल भारत सालाना 25 लाख टन सूरजमुखी तेल का आयात करता है, इसमें 90% हिस्सा रूस और यूक्रेन से आता है, क्योंकि ये दोनों देश तेल के बड़े निर्यातक हैं। पाम और सोयाबीन तेल के बाद देश में सूरजमुखी तीसरा ऐसा खाद्य तेल है जिसका बड़े पैमाने पर आयात किया जाता है। एक बार फिर कहर मचा सकता है ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट, WHO ने बताया कितना खतरनाक साबित होगा ओमिक्रॉन BA.2। कोरोना वायरस के नए केस भले ही कम हो रहे हों, लेकिन फिलहाल इसका खतरा अभी टलता नहीं दिख रहा। ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट BA.2 की वजह से अभी भी टेंशन बरकरार है। बताया जा रहा है कि कई देशों में इसके मामले तेजी से बढ़ने शुरू हो गए। एक स्टडी के मुताबिक कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का सब वेरिएंट BA.2 न केवल तेजी से फैलता है बल्कि ये गंभीर बीमारी का कारण भी बनता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक BA.2 वेरिएंट ओमिक्रॉन से भी तेजी से फैल सकता है और ये कितना घातक होगा। जल्द ही शुरू होंगे आवेदन, जाने कैसे करें अप्लाई। भारतीय आर्मी ने इंडियन आर्मी SSC टेक्निकल रिक्रूटमेंट 2022 के नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक SSC टेक्निकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती होने वाली है। बता दें कि 8 मार्च 2022 से आवेदन शुरू होंगे और आवेदन करने की प्रक्रिया 6 अप्रैल 2022 तक जारी रहेगी। वैकेंसी महिला और पुरुष दोनों के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जिन उम्मीदवारों के पास इंजीनियरिंग की डिग्री होगी केवल वही आवेदन करने के योग्य होंगे। इंजीनियर के फाइनल ईयर में पढ़ने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें अपने पिछले साल के सभी मार्कशीट और दस्तावेजों को सबूत के तौर पर जमा करवाना होगा। EPFO में पत्नी का नाम जोड़ना अनिवार्य हुआ, आप भी जाने की EPFO में नॉमिनी का नाम जुड़वाना क्यों जरूरी। EPFO में पत्नी का नाम जोड़ना अनिवार्य हुआ। अगर आप EPFO अकाउंट है और अपने नॉमिनी का नाम नहीं जुड़वाया तो आपका पैसा डूब सकता है। EPFO में नॉमिनी का नाम जुड़वाना अनिवार्य है। इसका फायदा ये होता है कि आपको रिटायरमेंट के बाद किसी भी तरह की पैसों की तंगी नहीं होती और आपकी मासिक पेंशन भी आती रहती है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब तक आप किसी भी सरकारी या प्राइवेट संस्था में जॉब करते हैं तो अगर आपने उस दौरान अपने PPF अकाउंट में किसी को भी नॉमिनेट नहीं किया और आपकी किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो आपके पैसों का क्या होगा। इसलिए जब भी आप किसी सरकारी संस्थान या प्राइवेट संस्थान में नौकरी कर रहे हैं तो उसी समय आप EPFO में जाकर नॉमिनेशन कर सकते हैं। उमा भारती ने किया ऐलान 2024 में चुनाव लड़ने का, 3 BJP सांसदों की बढ़ी धड़कनें। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने अगला लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, मगर वे चुनाव कहां से लड़ेंगे इस पर उन्होंने अभी सस्पेंस रखा है। उनके इस ऐलान से 3 लोकसभा सीट पर कश्मकश की स्थिति पैदा होने की संभावना है।
प्रदेश के विकास योजनाओं को मिलेगी रफ्तार, फिर से 2,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी सरकार। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार एक बार फिर से लोन लेने की तैयारी में है। दरअसल प्रदेश में विकास कार्यों को गति दी जा रही है। आए दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी विभिन्न विभागों के साथ बैठक कर रहे हैं। वहीं कार्यशैली को बढ़ाने के साथ ही विकास परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए जा रहे हैं। इसी बीच एक बार फिर से सरकार 2,000 करोड़ रुपए का ऋण लेने की योजना बना रही है। कॉलेजेस में अतिथि विद्वानों की भर्ती का कार्यक्रम जारी। मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सभी सरकारी कॉलेजेस में अतिथि विद्वानों को आमंत्रित करने हेतु कार्यक्रम टाइम टेबल कैलेंडर जारी कर दिया गया। सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस में गेस्ट फैकल्टी के रिक्रूटमेंट की प्रोसेस दिनांक 2 मार्च 2022 से प्रारंभ होगी और दिनांक 11 अप्रैल 2022 को समाप्त हो जाएगी। पहले से रजिस्टर्ड अतिथि विद्वानों की प्रोफाइल एडिट करने का मौका 2 मार्च से 20 मार्च 2022 तक है। नए उम्मीदवारों को आवेदन करने का अवसर 2 मार्च से 20 मार्च 2022 तक। पहले से रजिस्टर्ड और न्यू रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन का कॉलेज लेवल पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 मार्च से 21 मार्च 2022 तक। सब्जेक्ट वाइज कॉलेज लेवल से वैकेंसी अपडेट करना 2 मार्च से 21 मार्च 2022 तक। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।